तो बस मैं बैठ गया हूँ ट्रेन में और यहाँ से करीब 30 मिनट का जर्नी है। आज हम जाने वाले एक इंडियन वेजिटेबल मार्केट। बैठ गए हम मम्मी के साथ बस में। देखिए क्या मिल गया है, मम्मी का फेवरेट। और गेस व्हाट, हमें यहाँ पे क्या दिख गया है। सो यहाँ पे दोनों भी मैंगोज है, केसर और अल्फेंजो। एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक हो। सुबह के बज रहे हैं 7:30। आज है थर्सडे, तारीख है 11 अप्रैल और मुझे आज जाना है ऑफिस सेंट्रल लंदन। तो अभी बस मैं रेडी हो गया हूँ, नाश्ता वाश्ता सब कर लिया मैंने। खुशबू, नायरा और मम्मी तीनों अभी सोए हैं क्योंकि इट्स टू अर्ली। एनीवे, बाहर का वेदर आपने देख ही लिया है। वैसे दिखा देता हूँ एक बार आपको, थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बट आई डोंट थिंक मुझे अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी हैवी बारिश नहीं है, इतना तो मैनेज हो जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आपको अपना ऑफिस का रूट दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा जितना हो सकता है उतना दिखाऊंगा। तो चलो अभी मैं उतरता हूँ नीचे और फिर जाता हूँ टूवर्ड द ट्रेन स्टेशन, वहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी है। एक्चुअली मेरे ऑफिस जाने के लिए मुझे एक बार ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, मतलब यहाँ से मैं जाता हूँ सेंट्रल लंदन के एक स्टेशन पर, वहाँ जाके मैं ट्रेन चेंज करके दूसरी ट्रेन पकड़ता हूँ जो मेरे ऑफिस के नज़दीक जो स्टेशन है वहाँ पर मुझे ड्रॉप करता है। तो आज कोशिश करूँगा आपको थोड़ा दिखाने का। तो चलो अभी फटाफट निकलते हैं। बस तो भाई इस वक्त मैं आ गया हूँ नीचे और बस ये हमारे एरिया में चल रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ टूवर्ड्स द स्टेशन। चलो आपको थोड़ा आजू बाजू का नज़ारा दिखा देता हूँ। सो ये है कुछ हमारा एरिया। यहाँ पे आप ये जो वाइट बिल्डिंग देख रहे हो, ये करीब 600 साल पुरानी, हमारे एरिया की सबसे पुरानी बिल्डिंग है ये। और बस ये रास्ता जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, ये जाता है स्टेशन की तरफ। हमारे घर से बस अराउंड 5 से 7 मिनट का रास्ता है स्टेशन की तरफ जाने का। ये आ गया लिडल, ये हमारे एरिया का एक सुपर मार्केट है। और बस ये जो इधर सामने जो रास्ता जा रहा है, ये जाता है टुवर्ड्स द स्टेशन। वैसे तो यहाँ पे सिग्नल लगा है लेकिन मुझे कोई दिख नहीं रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्रॉस कर लेता हूँ फटाफट। और यहाँ का सिग्नल तो ग्रीन ही है, तो चलो। लोग ऑफिस जा रहे हैं। हमारे एरिया का जो स्टेशन की तरफ जाने का रास्ता है वो बहुत सुंदर है। ये देखो यहाँ पे इतने मस्त मस्त ट्रीज़ हैं, चारों तरफ ग्रीनरी है, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। ये देखिए, और ये लो हम पहुँच गए हमारे एरिया के नज़दीकी ट्रेन स्टेशन पे। अब मुझे यहाँ सामने एक ट्रैफिक सिग्नल है, वहाँ से रास्ता क्रॉस करके सामने की तरफ जाना है। और इस वक्त मैं आ गया हूँ स्टेशन के अंदर, जा रहा हूँ टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म। टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मेरे मोबाइल में क्रेडिट कार्ड है, तो उससे ही टैप एंड पे हो जाता है। तो बस सामने आपको टर्न स्टाइल्स दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको अपना स्कैन करना है मोबाइल। चलो, और जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 ट्रेन्स ऑलरेडी खड़ी है। तो अभी जिस प्लेटफॉर्म पर मैं चल रहा हूँ ये है प्लेटफॉर्म 3, और अभी ये ट्रेन जो प्लेटफॉर्म 3 पर वो सबसे पहले जाएगी, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म 2 वाली ट्रेन जाएगी। तो ये है हमारी ट्यूब्स, कुछ ऐसी दिखती है, ये है जुबली लाइन। चलो चलते हैं। ये भैया जो आगे चल रहे हैं ये शायद टिकट मास्टर है क्योंकि इन्होंने यूनिफॉर्म पहन के रखा है। और आप जैसे देख सकते हो ट्रेन में लोग बैठ गए हैं, तो बस मैं भी अभी बैठ जाऊंगा एक डब्बा ढूंढ के। मैं थोड़ा आगे जाके बैठने का प्रेफर करता हूँ क्योंकि वहाँ से मेरा दूसरा स्टेशन का कनेक्टिविटी ईजी है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये ट्रेन के ड्राइवर है। ओके चलो यहाँ आ जाते हैं। तो बस मैं बैठ गया हूँ ट्रेन में और यहाँ से करीब 30 मिनट का जर्नी है मेरे अगले स्टॉप तक, फिर वहाँ से मुझे ट्रेन चेंज करने में आपको दिखाऊंगा अगर मौका मिला तो। बट आप देख सकते हैं कि ये डब्बा पूरा खाली है, ज़्यादा लोग बैठे नहीं हैं इसमें। तो चलो अभी मैंने अपने हेडफोन लगा लिए हैं और अभी थोड़ा म्यूज़िक सुनूंगा और बस आधे घंटे के बाद मिलते हैं आपको दूसरे स्टेशन पर। अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि ट्रेन हो रही है स्टार्ट।
ये लो, ये हो गई ट्रेन स्टार्ट, ट्रेन हो गई स्टार्ट। इस वक्त मैं आ गया हूँ सेंट पॉल स्टेशन। सॉरी, मैं बीच में जब मैंने ट्रेन चेंज की तब मैं कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, इसीलिए अभी मैंने डायरेक्ट में जहाँ पे मेरे डेस्टिनेशन स्टेशन पे आ गया हूँ सेंट पॉल्स, वो आपको दिखा रहा हूँ। तो बस यहाँ से बाहर निकलते ही मैं पहुँच जाऊँगा अपनी ऑफिस। और इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ सेंट पॉल्स, जहाँ पे मेरा स्टेशन है और जहाँ पे मेरी ऑफिस है, और ये बहुत फेमस लैंडमार्क है लंदन का। चलो आपको दिखाता हूँ। तो ये जो आप इस वक्त देख रहे हो, ये है सेंट पॉल्स कैथीड्रल। ये यहाँ का बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते रहते हैं। बस इसी एरिया में मेरा ऑफिस है और ये देख सकते हो आप, सब टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, ऑफिस वाले भी आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे आपने पहले के वीडियो में देखा, प्रियांक गए हैं ऑफिस, हम लोग यहाँ पे उठ गए हैं, चाय यहाँ पे गरम गरम चाय बन गई है धुआड़ा मारती हुई, और यहाँ पे नायरा ने नहा के हो गई है फ्रेश, और अभी दादी के हाथ से खा रही है ब्रेकफास्ट। शू खाए छे नायरा? ब्रेकफास्ट, और वो भी लेपुट जोता जोता। नायरा हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जाओ छो ने नर्सरी? जाएस ने? शू करशे त्यां? प्लेक प्लेक करी। तो बस अभी यही है कुछ हमारे सुबह के हाल, जब तक नायरा जाएगी नहीं तभी तब तक दौड़ा दौड़ी चलती ही रहेगी क्योंकि उसको टाइम पे पहुंचाना है। बाकी वेदर की बात करें तो कल से बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है क्योंकि हीटर्स हमने फास्ट रखे थे, क्योंकि कल जो ठंड थी वो तो मम्मी को ही पूछेंगे, मम्मी काले केवी ठंडी लगी, बहुत ठंडी हती ने। कल जो टेम्परेचर था वो 7 डिग्री तक 6 डिग्री तक गया था, तो इसकी वजह से कल हीटर्स ऑन थे, फुल चल रहे थे, पर फिर भी घर पे ठंड लग रही थी। बट आज बहुत बेटर है, इनफैक्ट नेक्स्ट 3 डेज का वेदर बहुत ही अच्छा दिखा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं कि 20 डिग्रीज तक जाने वाला है। देखते हैं कैसा लगता है, कैसा रहेगा, आपको भी दिखाएंगे साथ में। फिलहाल करते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट, फिर जाते नायरा को छोड़ने। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9, मैं और नायरा निकल चुके हैं, मैं जा रही हूँ नायरा को छोड़ने उसकी नर्सरी। निकलते वक्त तो थोड़ी नायरा रो रही थी, फिलहाल अभी शांत है। देखते हैं अंदर, आगे जाके अंदर जैसे नज़दीक आती है नर्सरी तो उसके नज़ारे कैसे होते हैं। नायरा नहीं रे दादी, ओली पोयम के ने पोयम ओली कही थी, जीप जैप जीप जैप, बाबा ब्लैक शिप नहीं। ओके, तो अभी मैडम का मूड नहीं है, एक तो जा रहे हैं नर्सरी, ऊपर से मम्मा बोल रही है ब्राइम्स बोलो कैसे होगा। फिलहाल दिखाती हूँ आपको बाहर के कुछ नज़ारे। वेदर तो अच्छा है, भले सन नहीं है पर इतनी ठंडी नहीं है। एकदम शांति है यहाँ पे, सब फूल भी आ रहे धीरे धीरे, सब वापस ग्रीन हो रहा है, सो यस लुकिंग नाइस। तो बस मैंने छोड़ दिया है नायरा को, रो तो रही थी बट आई थिंक कि वो बेटर है अभी, थोड़ा दिन रोएगी देन शी वुड बी फाइन। बाकी आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल सब पिंक फ्लावर्स आए। सो यहाँ पे स्प्रिंग में ऐसे सब जगह ऐसे फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, सो लाइक इट्स एन इंडिकेशन दैट स्प्रिंग इज हियर एंड यू नो फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। और ये है थोड़े पार्क के नज़ारे, सुबह सुबह एकदम ग्रीन हो गया है क्योंकि ऑब्वियसली अभी बहुत बारिश हो रही है, तो मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है, और एयर इतनी फ्रेश है कि मतलब क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए। बाकी यस
बहुत ही शांत लग रहा है एंड फुल ऑफ ग्रीन्स। अभी चलते हैं वापस घर, खाना वाना बनाएंगे और प्लान है कि मैं मम्मी को यहाँ की जो वेजिटेबल मार्केट है जो किंग्सबरी में है वहाँ पे लेके जाऊँ। मोस्टली तो हम लोग जाएंगे, आपको भी लेके चलेंगे और आप भी देखिए कि कैसी होते हैं यहाँ की वेजिटेबल मार्केट और कैसा रहेगा मम्मी का एक्सपीरियंस, कैसे लगे उनको यहाँ के वेजिटेबल, सब दिखाएंगे आपको। बज रहे हैं और मेरा भी लंच टाइम हो गया है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि यहाँ पे हमारे ऑफिस के आसपास बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ से आप ऐसे पैक्ड लंच ले सकते हो, तो मैंने कुछ पैक्ड लंच लिया है। ये है पम्पकिन करी, एक्चुअली ये जापानीज फूड है, तो मैंने लिया राइस विथ पम्पकिन करी, वेजिटेरियन है। तो बस यही आज के लिए मेरा लंच है, बस यहाँ पे अभी आसपास के नज़ारे एंजॉय करते करते लंच करूँगा। चुके हैं हमारी वेजिटेबल शॉपिंग के लिए, आज हम जाने वाले एक इंडियन वेजिटेबल मार्केट जो यहाँ से बस पकड़ के थोड़े स्टॉप्स दूर है, 20-25 मिनट्स लगता है बस में, किंग्सबरी करके वो जगह है, वहाँ पे जाएंगे। सो आज पहले तो हो गया था हमारा पोपट मतलब वो कार्ड जो ऑयस्टर कार्ड जो प्रियांक ने तो थोड़े दिनों पहले ब्लॉग में दिखाया था वो कार्ड, एक्चुअली आज प्रियांक लेके चले गए हैं। फिर हमने लगाया एक जुगाड़ जिससे अभी हम जा सकते हैं डेबिट कार्ड से टैप करके। तो आज होने वाली है मम्मी की फर्स्ट बस राइड ट्रांसपोर्ट, मतलब बस ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट राइड होने वाली है मम्मी की यूके में, और फर्स्ट वेजिटेबल शॉपिंग, तो सब आपको दिखाएंगे और फिर मम्मी को पूछेंगे कैसा लगा यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ की वेजिटेबल मार्केट। तो चलते रहिए हमारे साथ। देखिए ट्यूलिप, ट्यूलिप जो भी बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली ट्रांसलेट करना नहीं आता है। अभी सीज़न है इसके ब्लूम करने की एंड दे आर ब्लूमिंग। कितने प्रिटी लग रहे हैं। हमारे साथ शॉपिंग के लिए और कोई भी है? ये हमारी ट्रॉली बैग, इसके बिना तो कैसे शॉपिंग होगा क्योंकि यहाँ पे सब चलना है तो दिस ट्रॉली इज मस्ट। देखिए आ गई है हमारी बस, मम्मी चलो अंदर। हम मम्मी के साथ बस में, मम्मी तो अपने बस के भी लाइक बस एटले क्लीन हो, थोड़ी नवी हो पी, थोड़ी फेसिलिटी, हाँ हाँ पी सीस्टम केवी लगी, टैप एंड पे कार्ड तेरे टैप करवा, टिकट नहीं लेवाने, तो चलिए अभी चलते सब्जी लेने। एक सिस्टम जो यहाँ की बस का बहुत ही अलग है वो ये है कि अगर आपको बस में से उतरना है आप ऐसे जाके खड़े नहीं रहना है, जब आपका स्टॉप आएगा तभी खड़े होना है, उससे पहले आपका जब स्टॉप आ रहा है तभी आपको ये बटन प्रेस करना है जो हर सीट पे रहता है, और आपका जब स्टॉप आने वाला होता है वो डिस्प्ले होगा कि अभी नेक्स्ट स्टॉप ये है, तभी आपको ये बटन प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली जब आपका स्टॉप आएगा बस स्टॉप हो जाएगी, फिर आपको उतरना है और उठना है। तो ये है यहाँ का किंग्सबरी एरिया, यहाँ पे है किंग्सबरी स्टेशन और पहले इनफैक्ट अभी भी जो वैम्बली है वो बोलते हैं कि मिनी गुजरात जैसा है, पर अगर आप लोग किंग्सबरी आओगे तो भी आपको मोस्टली सब कुछ मिल जाता है, और इनफैक्ट किंग्सबरी का जो वेजिटेबल मार्केट है वो तो बहुत ही फेमस है, लोग बहुत दूर से यहाँ पे सब्जियाँ ख़रीदने आते हैं क्योंकि इंडियन वेजिटेबल, प्रॉपर इंडियन सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं।
तो चलिए आज दिखाते हैं आपको सब। पहले इनफैक्ट अभी भी जो वैम्बली है वो बोलते हैं कि मिनी गुजरात जैसा है, पर अगर आप लोग किंग्सबरी आओगे तो भी आपको मोस्टली सब कुछ मिल जाता है। और इनफैक्ट किंग्सबरी का जो वेजिटेबल मार्केट है वो तो बहुत ही फेमस है, लोग बहुत दूर से यहाँ पे सब्जियाँ ख़रीदने आते हैं, क्योंकि इंडियन वेजिटेबल, प्रॉपर इंडियन सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। तो चलिए आज दिखाते हैं आपको सब। और ये देखिए, ये है कुछ जनरल स्टोर, पर ये देख के तो सच में इंडिया की याद आ जाती है, जैसे इंडिया में बाहर ऐसे स्टोर लगे हुए होते हैं। हाँ, ये सब लाइन से सारी इंडियन शॉप्स है। ये जो ग्रेन मिल करके शॉप है वहाँ पे सारी ग्रॉसरीज अच्छी मिल जाती है, पानी पूरी की पूरी कुछ भी चाहिए आपको, अगर नवरात्रि के लिए गरबा लेना है तो वो भी मिल जाएगा इधर से। ये है यहाँ की फेमस स्वीट शॉप, बहुत ही अच्छी स्वीट्स मिलती है यहाँ पे पूजा स्वीट्स में। और यहाँ पे दिख रही है हमें हमारी वेजिटेबल शॉप, तो चलिए अटैक करते हैं। आ गए हम यहाँ पे वेजिटेबल शॉप में, बहुत सारा वेजिटेबल्स ले लिया है हम। नहीं तो मम्मी आपने शू लीधो अत्यारे शाक में? अत्यारे जो गुवार लीधो, भींडो, मेथीनी भाजी, कोथमीर, दूधी, ઘણું બધું, અદરક, હા, રીંગણા. મમ્મી શાક કેવું લાગ્યું તમને અહીંયા? ના, શાક બહુ સરસ છે, એકદમ તાજું. હા, આમ લીલું ને આમ સુકાઈ ગયું એવું નથી, એકદમ તાજું સરસ છે શાક. તો એ હે વો વેજીટેબલ શોપ, યહાં પે સારે વેજીટેબલ્સ મિલતે હૈ, પર ક્યા હૈ કે વો લોગ સબ કુછ બલ્ક મેં રખતે હૈ, બલ્ક મેં રખતે હૈ પર રેટ कम होते हैं, तो अच्छा पड़ता है हमें ऐसे बल्क में लेने के लिए। क्या है, बल्क में ले लेंगे, तीन दो बार सब्ज़ी बनेगी एक शाक की, तो चलता है, और रेट हमें कम पड़ेंगे तो वो भी अच्छा है। तो डू विज़िट किंग्सबरी फ्रूट एंड वेज वेजिटेबल शॉप इन किंग्सबरी। एक शॉप से हमने शॉपिंग कर ली है, वहाँ पे करीब हमको 18 पाउंड्स हुए हैं, पर बहुत सारी सब्जी आ गई है। मम्मी कितना दिवस चलते, बे अठवाड़िया निकली जाते, बधु शाक बे बे वार बने तो भी बे अठवाड़िया निकली जाता है, सो आराम से दो वीक तो निकल ही जाएंगे। अभी हम और एक शॉप में आए हैं, यहाँ पे कैसा है सब लूज में मिलता है, तो लेट्स सी अगर वहाँ से कुछ मिलता है तो। हमें स्पेशली आंवला चेक करना है अगर मिले तो। देखिए क्या मिल गया है, मम्मी का फेवरेट आंवला, तो चलिए आंवला ले लेते हैं यहाँ पे। बाकी है यहाँ पे सब लूज वेजिटेबल्स। कैसा रहता है कि अगर आपको कोई भी लूज सब्जी लेनी है तो आपको ये बैग लेनी है और उसमें डालना है, तो ऐसे अच्छा पड़ता है सारे वेजिटेबल्स डालने के लिए। बाकी सब वेजिटेबल शॉपिंग तो हो गई है, और गेस व्हाट हमें यहाँ पे क्या दिख गया है? यस, मैंगो, और मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ मैंगो की, तो डिसाइड किया है कि हम लेंगे एक डज़न मैंगो, और एक डज़न मैंगो का रेट है यहाँ पे 17 पाउंड्स। यस, पर ये चीज़ ही ऐसी है कि आप रुक नहीं सकते हो, मतलब टेम्प्ट होते हैं मैंगो देख के, स्पेशली मैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मैंगो। तो चलिए मैंगो शॉपिंग करते हैं, फिर जब भी मैंगो खाएंगे तभी बताएंगे इज इट वर्थ इट स्पेंडिंग 17 पाउंड फॉर द मैंगो। सो यहाँ पे दोनों भी मैंगोज है, केसर और अल्फेंजो। केसर का रेट है 17 पाउंड, और नहीं, केसर का रेट है 18 पाउंड और अल्फेंजो का रेट है 17 पाउंड। आ गए हमारा टर्न, हम लेने वाले अल्फेंजो। यहाँ पे हमारे बॉक्स खुल रहा है। हाँ, एकदम बड़ा बड़ा फल है, अच्छा है, मतलब ऑब्वियसली एक्सपोर्ट क्वालिटी। मम्मी केवी छे, बराबर छे, सरस छे।
तो भाई हो गई है हमारी वेजिटेबल शॉपिंग पूरी और हमारा फेला तो सफल हो गया है क्योंकि मिल गया मैंगोज। चलिए चलते हैं घर, फिर जाना है नायरा को लेने। ये है यहाँ के लोकल ज्वेलर्स की शॉप, गोल्ड शॉप। आ गया है किंग्सबरी स्टेशन। तो बज रहे दोपहर के 2:30, हम लोग आ गए घर और चल चल के हम लोग खाना खा के गए थे, फुल पेट खाना खा लिया था, पर वहाँ पे चल के फिर वापस आए। थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा चलना हो ही जाता है, तो चल चल के अभी हम लोगों को लग गई है भूख। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कभी से कुछ कुछ ढूंढ रहे कि क्या खाएं अभी। एनीवेज चले मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी केव लागो तमने इंडिया करता अहीं શું ડિફરન્ટ લાગ્યું આ શાકભાજી માર્કેટમાં અને એટલે અહીંયાનું એવું છે કે આપણે બધું સાથે લેવું પડે, એકસાથે બધું લેવું પડે, એકસાથે 2-3 વીકનું લઈ આવે, 2-3 વીકનું લેવું પડે ને આપણે બોમ્બેમાં ત્યાં શું આપણે રોજે રોજ લઈ આવે, ફ્રેશ લઈ આવે, ફ્રેશ લઈ આવે ને અહીંયા બધું આવી રીતે હા, સો યસ વહી બોટનું ને લેવું પડે, વહી ડિફરન્સ અહીંયા કા કે હમ બલ્ક મે લેતે હે યહાં સે ઓર एवरी वीक किसी को टाइम नहीं रहता है जाने के लिए, तो क्या है वो बल्क में लेके आएंगे, वो 2-3 वीक चलता है वहाँ पे, क्या रोज़ फ्रेश वेजिटेबल्स आते हैं वो लेते हैं, तो वो है थोड़ा डिफरेंट यहाँ से, बट चलाना पड़ता है क्या ऑप्शन है। बस हम लोग कुछ खाएंगे, पेट पूजा करेंगे वापस, तब तक टाइम हो जाएगा हमारा जो वावा जोड़ा है उसका आने का। फिर उसकी सेवा में लगेंगे। बज रहे हैं शाम के 8:30, हमारा डिनर बिनर सब हो गया है। यहाँ पे मम्मी और खुशबू दोनों लीन हो गए हैं कलर्स की सीरियल में, अभी उनको वो इंडिया की सीरियल की वापस आदत लग गई है और हमने अभी वो जुगाड़ करके चालू भी कर दिया है। मम्मी के मोबाइल में भी दिखता है, खुशबू के भी मोबाइल में, हमारे स्मार्ट मोनिटर पर भी दिखता है, तो बस अभी ये लोग वापस सीरियल का चस्का लग गया है। एनीवे अभी ये लोग यहाँ पे सीरियल देखेंगे 1-1.5 घंटा, उसके बाद तब आजकल हम लोग जल्दी सो जाते हैं। इनफैक्ट कल तो हम 9:30 बजे रात को सो गए थे, तो आजकल हमारा दिन जल्दी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, जो अच्छी बात है। तो बस आज के लिए करते हैं व्लॉग को एंड, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।